गुड मॉर्निंग विद साबी ब्रॉट यू बाय बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 03111155330। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में और बात करती हूँ। ऑफकोर्स महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं न्यूज़ वगैरह जब देखती हूँ तो उसके अंदर एक बात अभी करंट न्यूज़ में आया और वो ये था कि डिफरेंट कंट्री में जो है ऑयल का, जब भी आपने देखा होगा हमारे महंगाई कैसे होती है जब ऑयल का रेट बढ़ जाता है तो सब जगह पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जो मेरी नॉलेज आई डोंट नो इसमें कितनी रियल बात है या कितनी ऑथेंटिक आई डोंट नो, बट मैं ये कहूँगी कि मैंने जो न्यूज़ सुना वो ये क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ में रेट नीचे गए तो हमारे अभी भी कोई छेड़ाछाड़ी वहीं पर फिक्स किए हैं। अब ऑफकोर्स इकोनॉमिक या मईशत की बात की जाए तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि सरमायाकारी की बात की जाए या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, सब चीज़ें जो है वो हिल जाती हैं। ऑफ कोर्स कोई आप समझें एक परचून की दुकान वाले से लेके एक आम आदमी जो ठेले वाला है और वो बिजनेसमैन जो हजारों की तादाद में लोगों को लेके चल रहा है, सब जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि अगर हमारा कंट्री डिस्टर्ब होता है, हमारी मईशत डिस्टर्ब होती है तो ये वही बेहतर जानते हैं जो ऑफ कोर्स इस कम्युनिकेशन में पिलर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, हमारे मुल्क की मईशत की बाग दौड़ में उनका हिस्सा है। और वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया है बेसिकली। मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा मुल्क उन बिजनेसमैन की वजह से स्टैंड ओवर है तो 60% उन बिजनेसमैन का हाथ है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना सर्वाइव कर रहा है। अगर ये सारे बिजनेसमैन अगर अपना सारा सरमाया बाहर मुल्क लगा देंगे तो हमारा मुल्क जो है और मजीद खसारे में जा सकता है। लेट्स सी, शायद मैं ये कहूँगी, मेरी फिर मैं यहाँ कहूँगी कि मैं अपने आप को इतना अदना समझती हूँ कि मेरी इतनी शायद नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक आम आदमी को यहाँ से जानती हूँ जो एक कुकिंग ऑयल लेने के लिए एक लेडी जब उसे कहा जाए कि ये अब कुकिंग ऑयल 550 का है, जो बंदी 300 का लेती थी या 200 का 250 का, तो वो सोचती कि मैंने 5 पैकेट लेने या 3 पैकेट, तो वो 1 पैकेट लेके जा रही है और वो इतनी डिस्टर्ब, उसका चेहरा मेरी आंखों से अभी तक नहीं हटता। पता नहीं अब हमारे मुल्क का क्या होगा, आई डोंट नो स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको ब्लैंक किया, बिल्कुल हम अंधे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। लेट्स से हम बात करेंगे, हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर बिजनेसमैन भी हैं और बहुत सारे वेलफेयर के काम से भी वो जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह एक्टिविटी करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं और बड़ी बात है बिजनेस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे सर? मैं शुक्रिया ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा शुक्र करते रहें। लेकिन अब यहाँ पर जो मईशत की मैं बात करूँ, आप हमें क्या अवेयर करेंगे कि आया कि हम स्टेबल हैं या अभी भी थोड़े डगमगा रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शुरू में जो बातें की वो बड़ी वैल्यूबल हैं और उसमें काफ़ी सेंस बनता है। इकोनॉमिक्स की बात करें, मईशत की बात करें तो बात काफ़ी लंबी होती है और समझाना भी पड़ता है, लेकिन मैं मुख्तसर करके समझाऊंगा जो पॉइंट्स आपने खास करके इन्फ्लेशन के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी की बात की आपने। देखिए, बात सारी है कि जो दुनिया में ग्रोइंग इकोनॉमीज होते हैं, यानी इनको आसान लफ्ज में ये कह सकते हैं जो वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता होते हैं या तरक्की की तरफ जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान है, तो इन ममालिक को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इनका होता है वो कर्ज होता है।
ये कर्ज तो ले लेते हैं अपने आप को चलाने के लिए आगे, लेकिन फिर वो कर्ज वापस करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उस कर्ज पे सूद चढ़ता चला जाता है, इसका असर टोटल इकोनॉमी पे आता है, कुल की पूरी मईशत पे आता है। और जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, तो इन्फ्लेशन की ग्रोथ में इसका एक बहुत बड़ा असर होता है। मैं इस तरह से बताऊँगा कि जैसे हमारे मुल्क के मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दुनिया की महंगी तरीन इलेक्ट्रिसिटी है, और जो हम बिजली पैदा करते हैं उसके अंदर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हाइड्रो पावर, सोलर और दूसरी विंड एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और जो हमने पिछली कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और जिस तरह हम पिछली बिजली पैदा करते हैं, तो उसमें हम बहुत महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। इसका असर हाउस होल्ड पे भी, घर वालों पे भी पड़ता है, और इसका असर उस पे भी पड़ता है जिसको आप प्रोडक्शन कहती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो आपके पास आते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही भयानक हद तक आगे बढ़ जाए, तो फिर एक्सपोर्ट्स में मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है, वो कॉम्पिटिटिवनेस से हम निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हमारे कर्जे चढ़े हों और हम वो मईशत को उस सूरत में आगे ना बढ़ाते हों। अच्छा, हमारे मुल्क में एक अलमिया और भी है, वो ये कि हम सब के सब जो है ना मिलकर पॉलिटिकल बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सियासत पे बातें बहुत कर रहे हैं, और हम मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस में सियासत में अपने आप को ले आएँ, लेकिन हमने कभी इकोनॉमिक पे बात करना पसंद नहीं करी। अगर सियासत पे बात जरूर करें, मेरा कहना यह है, लेकिन सियासत को एक तरफ रख दें और मईशत पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने इख्तलाफात भुला दें, तो मुल्क की इकनॉमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये प्रॉब्लम से हम निकल आएंगे। इस वक्त एक आम आदमी का मसला है चीज़ों का महंगा होना। जैसे आपने कहा कि कुकिंग ऑयल वो 300 रुपए में लेती थी, तो आज उसको 700 रुपए पे भी नहीं मिल रहा। तो ये एक कैपेसिटी से चीजें निकल जाती हैं, रेंज बाहर हो गई ना उनकी। तो एक इंसान जब अपनी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो इन्फ्लेशन का रेट हमारे मुल्क में इस तेजी से आगे बढ़ा है कि हम 31% पे इन्फ्लेशन पे, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, सूद, जब इंसान कारोबार करता है तो बैंक से पैसे लेता है, तो पैसे लेता है और उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो उसको पे करने में प्रॉब्लम होगी। वो उसका इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि वो अपने घर भी चला ले, कॉस्ट भी निकाल ले, बैंक को भी वापस। तो इंटरेस्ट रेट भी दुनिया में कम हो रहे हैं और ऑयल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और किसी तरह कम नहीं हो रहा, और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके एक आम आदमी पे एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। और वो बोझ क्या है कि चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, एक बार बढ़ जाते हैं। तो मेन इशू हमें जिसको सॉल्व करना है, वो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बता, वो है कि किसी तरह हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को रिड्यूस करें। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को रिड्यूस करें, तो आप देखें आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगी, वो बिजली का बिल पे कर सकेगा। आज सूरत हाल ये है कि इंसान की तनख्वाह से ज़्यादा, एक आदमी की तनख्वाह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है, वो कहाँ से पे करें। और इंडस्ट्रीज़ का तो हशर ये हो गया कि वो कॉम्पिटिशन में जा नहीं सकते उस बिजली की कीमत पर जो वो पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें महंगी होती चले, और इसका डायरेक्ट असर आम आदमी पे पड़ता है। अच्छा, आपने एक बात बहुत डिटेल में बताई, मुझे बड़ा अफसोस से ही कहना पड़ रहा है, कोई भी हुकूमत आती है और बड़े फख्री अंदाज में कि मुझे फलाने मुल्क से या उस मुल्क से कर्जा मिलने का कंफर्मेशन हो गई, और हमें IMF ने अभी तक यूं रोका हुआ है और अभी तक नहीं दिया। यकीन करें, आई फील वेरी शाय बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत शर्मिंदगी होती है। और कुछ कंट्रीज हमारा जोक भी करते हैं, मुझे इस बात का भी बहुत दुख होता है कि यार कब तक, यानी कि 70 सालों में कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसने ये कहा हो कि हमें कर्जों की ज़रूरत नहीं है। एक लेडी आई थी लैंडा चाइना से, मेरे प्रोग्राम की गेस्ट भी थी, इसी जगह थी, सब बैठी हुई थी, और उनके सामने जो उनको टूरिज्म की प्रमोशन करी थी, उन्होंने कहा सभी, अगर मैं ये कहूँ, मैंने कहा लाइव शो में कह रही हो रम, ये क्या कह रहे हो आप, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे सिर्फ बलूचिस्तान का सोना मतलब इस्तेमाल किया जाए, सेल किया जाए डिफरेंट कंट्रीज को, तो हमारे मुल्क में कर्जा लेने की ये जो है ना वो खत्म हो जाए, बल्कि हम और मुल्कों को कर्जा दें। तो मैं हैरान हूँ, तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता, वाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आती। बड़ा दुख होता है कि लेके सब कुछ यहीं, हमने सब कुछ यहाँ छोड़ जाना है, लेके तो कुछ नहीं जाना, लेकिन काश मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर जाऊँ। तो आप अपने मुल्क में, अगर आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है, अगर जैसे हमें ये सीट मिली है, आपको सीट मिली है, तो आप कुछ लोगों के लिए ऐसा सोच लें कि ये परेशानियां ना हो। तो सर देखे, आपने कभी देखो होगा बड़े फख्री अंदाज में कोई भी मिनिस्टर हो, हमें फलाने कंट्री ने जो है ना वो इतना कर्जा देने का राजीनामा कर दिया। ये देगा कौन? आपने देने, आपकी आवाम पे लोड है।
ये सारी बेचारी दब जाएंगी इस कर्जे, उनके आने वाले बच्चे ये कर्जा अदा करेंगे, और वो कब होगा? जैसे अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि वो सूद में जा रहे हैं, और सूद तो वैसे ही हमारे, हमें मुसलमानों को तो हजम ही नहीं होता, देख ली कंट्री कहाँ पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, हमें तो इंटरेस्ट पे काम नहीं करना, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमी ऐसी है कि उसमें हमको इंटरेस्ट फ्री हो ही नहीं पा रहे। हमें इंटरेस्ट फ्री होना, हमें इस्लामिक कंट्री है। लेकिन ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन अलग है। बात सारी यही हो रही है कि महंगाई के बोझ से इंसान कैसे निकलेगा महंगाई के बोझ से। मैंने आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता दिया कि हमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिसिटी के अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। एक आपके पास आइडिया है स्कीम, आपने जो अभी बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी पर प्रेशर आप कर रहे हैं कि इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, तो इनके पास ये आइडिया, इससे क्या होगा ये अभी बताएंगे अतीक सब, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, इससे फर्क ये पड़ता है कि एक तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ जाना है, चीप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना है। तो जब हम एनर्जी कह लें, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, बात एक ही है। मैंने शुरू में बात करते बताया कि हमें जब क्लीन चीप और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना है तो उससे क्या होगा, एक तो बिजली सस्ती हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि बिजली आम आदमी को मिल सकेगी। मैंने कहा कि आज बिजली का बिल वन ऑफ द हाइएस्ट बिल आता है जो कि उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा, तो कैसे पे करेगा? अगर उससे बिजली का बिल पे करेगा तो बाकी अपने अखराज कहाँ से पूरे करेगा? ये एक बहुत बड़ा हैवोक है, एक बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है जिसको एक आम आदमी हमारे मुल्क का फेस कर रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो है ना, वो उन कॉम्पोजिशन पर काम करते हैं, वो फॉर्मूलाज लिख आते हैं जिससे सस्टेंशन हो सके। वो सस्टेंशन क्या है? तमाम कामों के निचोड़ के बाद एक चिंती पे हम पहुंचे कि हमारी बिजली को क्लीन एनर्जी भी होना चाहिए और चीप भी होना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि इससे एक आम आदमी जो मुतासर हो रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इज्जत एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम चल रहे हैं हमारे साथ। देखिए, एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसका भी जिक्र कर देते हैं कि हमारे पास सैलाब आया, हमारे ग्लेशियर्स पिघले, साथ अल्लाह ने बारिशें भी दी, दोनों चीज़ें जब मिल गई तो मल्टीफीरियस प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट हो गए। क्या हो गया कि आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब में डूब गया, लोग बेघर हो गए, सब चीज़ें उनकी चली गई, हमारी आने वाली जो अजनास हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो भी बर्बाद हो गई, और हम देख रहे हैं कि हमें वो भी इम्पोर्ट करनी पड़ी, आगे इम्पोर्ट पर इतना बड़ा बोझ है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आए, तो आप देखिए इसको लगभग नुकसान का अगर तखमीना करें, जो हमें रिसेंट नुकसान अपने एक्सपेंसेस पे ऐड बैक करने पड़े, वो तकरीबन $46 बिलियन विच इज मैसिव, विच इज ह्यूज। और तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 300 बिलियन रुपए चाहिए इन लोगों को दोबारा से आबाद करने के लिए, इनके घर बनाने के लिए, इन सड़कों को बनाने के लिए, वो खेत आबाद करने के लिए, वो खजूर के बागात आबाद करने के लिए, जो हमारा सरमाया है। रह गई बात नेचुरल रिसोर्सेज की, जो आपने कही कि हमारे पास सोना, तांबा, पेट्रोल सब कुछ है, लेकिन इसकी एक्सकवेशन पे काम नहीं हो रहा, इसकी ड्रिलिंग पे काम नहीं हो रहा। कई दिनों से सुस्त पड़े हुए कि हमारे पास पेट्रोल के, ऑयल के कुएं, गैस के एक्सकवेशन वो खुद नहीं रहे, और अगर खुद है तो बड़ी सुस्त रफ्तारी से। कुदरत से कि तमाम नेमतों से हम माला माल हैं। जहाँ टूरिज्म की बात की तो एक से एक है नॉर्थ में हमारे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बड़े जखायर हमें दिए हुए, मिनरल रिसोर्सेज हैं, बस कॉपर है, गोल्ड है, सब कुछ है। इस पर अगर हम लोग काम करें सही से, तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि हम ना सिर्फ ये कि अपने कर्जे उतार देंगे, बल्कि हम उल्टा कर्ज देने वाले मुल्क हैं। देखिए ना, माजी में हम जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया हमने, साउथ कोरिया का नक्शा, इकोनॉमिक प्लान्स डेवलप किए, जब ये मुल्क इतना कुछ कर सकता है, एमिरेट्स एयरलाइन बनाने में मदद करी, सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर हम लेने जाएँ तो टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, वी आर फुल ऑफ टैलेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक स्पिरिट होती है ना कि पहले वजू करना है, फिर नमाज पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है, ये एक स्पिरिट है, एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को, इस कौम को इख्तियार करना है, वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, किसी भी टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज अपनी हॉलीडेज को कम करें, लेट्स वर्क हार्ड। हम बात बात पे हॉलीडेज कर रहे होते हैं, हॉलीडेज को वीकेंड्स पे मिला लेते हैं, सैटरडे संडे से मिल जाती है, एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता है, क्या कर रहे हैं हम? हमारी फैक्ट्रीज बंद पड़ जाती है, हमारे ऑफिस बंद पड़ जाते हैं, हम काम पे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुतासर होता है डेली वेज का बंदा, जो रोजाना खोता है और कमाता है और अपना घर चलाता है, बेचारा हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, एक बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में आता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है हमें। वैसे आपकी ये बात यकीन करें, आपने ये कही है, मुझे आप इतने दुख से कह रहे थे कि जो डेली बेस वाला पर्सन होता है
वो डिस्टर्ब हो जाता है जब ये छुट्टियां वगैरह आती हैं, और खास तौर पे जब कोई एक्टिविटी आती है। अभी हुआ था एक्सपो आइडियाज हो गया या कोई स्पोर्ट्स का हो गया, आप यकीन करें आप वो शॉप्स जो करीब करीब होती हैं और जो जो स्ट्रीट्स होती हैं वो सब ये क्लोज कर देते हैं। उनका पाँच पाँच दिन दो दो हफ्ते का जो है ना वो रोज़गार बंद हो जाता है। इतना दुख होता है, वो लोग बहुत परेशान, जो रेगुलर बेस पे, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि घर में सैलरी आ जाएगी, वो कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे, और डेली उनका कोई ठेला लगा हुआ है वहाँ पर। मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है। अब वो मुझे उस दिन जब मैं गुजरी तो उन्होंने कहा नहीं यार हमारी ना ये आगे जाने नहीं देंगे। मैंने कहा आज आपने यहाँ पर क्यों ये कचोरियां लगाएंगे, तो कह रहे नहीं वहां पर इजाजत नहीं है क्योंकि अब हम लोग इस तरफ, तो उनके कितने क्लाइंट खराब हो जाते हैं। तो आपके पास इसके अलावा आप कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो बेसिकली फॉल्टिंग या मिसिंग कहां पर आपको नजर आती है? मिसिंग यही है कि वी हैव नॉट टेकन द नेशन एज सीरियस, हमने अपनी कौम को सीरियस नहीं लिया है। हम क्या है, हम हुजूम का नाम है कि कौम का नाम है? हाँ, दूसरी नेशंस को आप देखें वो किस तरह फाइट करते हैं, कहाँ स्क्रैच से निकलते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल कतर का ले लेना, इतना छोटा सा मुल्क है और वो मुल्क आज अपना नाम सारी दुनिया में पैदा कर चुका है। देयर इज अ विल, उनकी एक विशेज हैं, उन्होंने कहा हमें ऐसा करना है, वी हैव टू डू इट लाइक दैट। आप हमारे सामने आओ नहीं, हम डटे हुए, डिटर्मिनेशन है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सारी स्पिरिट्स खो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वी ऑल हैव टू वर्क एज अ नेशन। हम एक कौम है और कौम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पिरिट है वो इस बात की कि एक आम आदमी का इकोनॉमिक वेलबींग एक पूरी कौम का वेलबींग के बराबर होता है। जब आम आदमी का वेलबींग, उसकी सैंक्टिटी, उसकी इकोनॉमिक अफेयर्स सही होंगे तो पूरी कौम के इकोनॉमिक अफेयर्स सही होंगे। हर एक इंडिविजुअल, देखिए मैं बात करता हूं, जब तो मैं बात करता हूं 82% की, मैं टाइकोन्स की बात नहीं कर रहा, 4% टाइकोन्स है हमारे यहाँ, बाकी 12% बहुत रिच लोग हैं। मैं 82% की बात कर रहा हूँ, जो 82% हमारी टोटल कॉम्पोजिशन है नेशन की, पॉपुलेशन की, इस पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम लारे बड़े इकोनॉमिक चार्टर पे बात करें, इकोनॉमिक वायबिलिटीज पे बात करें, इसके कंसर्न्स पे बात करें, इसके चैलेंजेस पे बात करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल चार्टर्स पे बात हो रही है, इकोनॉमिक चार्टर्स पे बात कर रही है। ये कर्ज कैसे उतरेगा, ये आने वाला बच्चा कर्जदार होकर क्यों पैदा हो रहा है, ये हम सूद क्यों दे रहे हैं, मतलब हम अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो रहे, हमें अपने बिजली के बिलों को कम करना है, एक आम आदमी बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहा, ये सबसे बड़ा उसका। फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच चुका है, उस इन्फ्लेशन को कम करना है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें लुक आफ्टर करना होगा। ये इकोनॉमिस्ट इसको डग आउट करके सामने लाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आने चाहिए। आपने कहा कि बातों की हद तक, लेकिन आपने जिस तरह बहुत सारे पॉइंट जो है पॉइंटेड करवाए, जो बहुत सारी बातें हैं हमें बताई, इंडिकेशन लगी हमें, लेकिन एक चीज़ आपने देखा है कि इसका आंसर मुझे आपने ब्रेक के बाद देना है, और वो है हमारा इसकी महंगाई की वजह से क्राइम रेशो बहुत बढ़ गया है। घरों में लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और बाहर जो है, कल मैं देख रही हूँ वो डंडा लेके उस बंदे के सर पे मार रहा है जिसने सिर्फ शायद वॉलेट निकाला होगा या मोबाइल छीना होगा 10-20 हज़ार 5 हज़ार की चीज़ के लिए। लेकिन आप ये सोचें यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चोरियाँ हो जाती, कोई पूछने वाला नहीं है, उस बंदे का पूरा सर फट गया है, वो बोले जा रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाहिर सी बात है जिसकी चीज़ चोरी है वो कहाँ 5 हज़ार के लिए भी बख्शेगा नहीं ना। तो क्राइम रेशो इस तरह हो जाएगा कि आगे सोच ले हमारी आवाम, ये ना हो कि मिट्टी का तेल लगा लगा के लोगों को जला दें। या लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड बिजनेस टाइकॉन मिस्टर अतिकुर रहमान साहब के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी, ब्रॉट टू यू बाय बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आपके सपने पूरे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट।
जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिनेसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 03111155530।